ऐसे नेता हैं, दो नेता हैं, एक हमारे बगल के नेता और एक यहाँ के नेता। ये लोग को खाना उना पचता नहीं जब तक हम लोग का नाम नहीं लेता। हम तो बोलते हैं कि उतना बड़ा मर्द है, उतना बड़ा अगर मर्द है तो रामगढ़ से विधानसभा चुनाव कौन लड़ता है? अरबों की जो नहीं स्वीकृत है, अरबों की योजनाओं पर काम चल रहा है, तो ये जो अंधा है काला चश्मा पहनता है ना, काला चश्मा से थोड़ी दिखाई पड़ेगा। वो तो अंधा है, काला चश्मा में और अंधा हो गया है, उसको दिखाई थोड़ी बात करता है। धवैया में अपने बाप और भाई के नाम पर जमीन बंदोबस्ती का पेपर तैयार करके 20 एकड़ से ज्यादा जमीन करा समाज सेवी बना है, जो अपने बाप और भाई के नाम पर जो यहाँ आदि धवैया का गरीब आदिवासी का जमीन, धवैया का जमीन धवैया के लोगों का होगा ना, ये जोगिंदर महतो के बाप और उसके भाई का जमीन होगा। अभी ललपनिया में क्या हो रहा है, TTPS में 41% कमीशन चल रहा है। पूरे झारखंड में, पूरे देश में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां 41% कमीशन चलता है। और ये 41% कमीशन कहां जा रहा है, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए जो दूध का धोया हुआ। तो पूरा हाजिर करके पूरा ललपनिया में पूरा बाप भाई चाचा ससुर मामा ससुर बेटा सबके नाम पर वहां वेंडर को ढोके सब लोग काम कर रहा है और 41% कमीशन चल रहा है। बाहर है सत हरीश चंद्र का औलाद, दूध का धोया हुआ, ईमानदारी की बात करता है। जिस तरह से माननीय विधायक भूमिया के द्वारा हमें भी जो पता चला है कि 2 दिन पूर्व प्रेस वार्ता बुलाए थे और उस प्रेस वार्ता में जिस तरह से एक संवैधानिक पद में एक विधायक जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से असंवैधानिक भाषाओं का उनके द्वारा प्रयोग किया गया है हमारे पार्टी के प्रति, हमारे प्रति, अन्य हमारे नेताओं के प्रति, उसका कहीं भी लोकतंत्र में ऐसी भाषाओं की जगह नहीं है। और जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि कमीशन लेते हैं, तो बड़ा आश्चर्य मुझे होता है। और मैं बात को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, ये माननीय विधायक जी को, विधायक वो हैं कि हम हैं, पहली बात, सांसद और विधायक दोनों वो हैं, और वह कमीशन खोरी का बात करेंगे जो कमीशन खोरी का गंगोत्री है, कमीशन खोरी में अथाह सागर में गोता लगा चुके हैं। आज वो कमीशन खोरी का ही प्रतीक है, उसी का परिणाम है कि आज रांची में बड़े बड़े आलिशान बंगले, आज पहाड़ी में जितने महतो लोग, वहां के महतो समाज के लोग जमीन मजबूरी में बेचते हैं, खरीदार कौन, लंबोदर महतो। सिंहपुर में अगर आज वर्तमान में आप देख लीजिए, सिंहपुर में जमीन खरीदे हैं 10-12 एकड़ आज उसी कमीशन खोरी का पैसा से। आज बगियारी में सैकड़ों, बगियारी में कई एकड़ जमीन खरीदे हैं उसी कमीशन खोरी के पैसा से। आज खैरा चातर में जमीन खरीदे हैं, आपको लोगों को पता है कि नहीं, खैरा चातर में अभी किसी का घर खरीदे हैं वो भी कमीशन खोरी के पैसा से। उसके बाद पेटरवार में लेपो में कई एकड़ जमीन खरीदे हैं, वह भी कमीशन खोरी के पैसा से ही खरीदे हैं। चंद्रपुरा में घर बनाए हैं, वो किस पैसा से बनाए हैं वह बताएं। और महुआटाण में भी जमीन लिए हैं, चतरोचट्टी में भी जमीन लिए हैं, बेलाटाण गोमिया में भी जमीन लिए हैं, आईएल में भी घर बनाए हैं, और रांची में कई जगहों पर और भूखंड लिए हैं। तो पहले ये बतावे कमीशन खोर हम कि सबसे बड़ा कमीशन खोर ऊ। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी का सफर से लेकर के आप सचिव के सफर, प्रखंड विकास, मैंने कहा प्रखंड विकास पदाधिकारी के शुरुआत से लेकर के आप सचिव के पद पर वो रहे हैं, और तब से लेकर तो भ्रष्टाचार का जननी रहे हैं, भ्रष्टाचार का गंगोत्री रहे हैं, भ्रष्टाचार के सागर में हर समय गोता लगाते रहे हैं। आज यही कारण है ना कितनी अकाध अकूत संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, और दूसरे पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। आज मंत्री के आप सचिव होने जिस समय थे, उस समय सब लोग सर्वविदित थे, पूरा राज्य की जनता और पूरे सभी पदाधिकारी और कर्मी जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है और कौन कमीशन खोरी करता था। आज विधायक है तब भी, आज एक एक संवेदक को पूछिए, जितने संवेदक किस बोकारो जिला में काम करते हैं, कि किस कदर
वो कमीशन खोरी लेते हैं, और जब तक कमीशन का पैसा उन तक नहीं पहुंचता है तब तक योजनाओं का शिलान्यास भी नहीं करते। और मैं बता रहा हूं, और जिस कदर कमीशन खोरी का उनको जिस कदर आदत पड़ गया है, अब सत्ता से उतरे हैं तब शिक्षा के नाम पर, शैक्षणिक व्यवस्था बच्चों को पढ़ाने के नाम पर विधायक मत से किताब भी बेचने का काम करें। किताब बेचे हम सराहना करते हैं, लेकिन वह जनरल नॉलेज की किताब जिसको खुले बाजार में 50 रुपया में मिलता है, और वो विधायक मत से उसी किताब को 600-600, 500-500 रुपया प्रिंट करवा करके प्लस टू और हाई स्कूलों में बेचे हैं, और कहते हैं विधायक जी कहते हैं कि मैं यहाँ के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। वह कमीशन खोरी के चलते करीब करीब 2 करोड़ रुपया का किताब विधायक मत से पूरे गोमिया विधानसभा के प्लस टू और हाई स्कूल में सप्लाई किए। दूसरा, आप देखे होंगे सौर ऊर्जा, आपको जानकारी है कि नहीं, सौर ऊर्जा जो 14वें वित्त 15वें वित्त से जो सोलर लाइट बढ़ता था, उस सोलर लाइट का भी खरीदारी विधायक मत से किए हैं, और कहां लगा कैसे लगा वह भी करोड़ों रुपया का है। तीसरा, आप बताइए गोमिया विधानसभा में कहां पर कुश्ती का खेल होता है, कौन हमारे गोमिया विधानसभा क्षेत्र के जनता या नौजवान कुश्ती खेलता है, उसके लिए भी करोड़ों रुपया का मैट खरीदा जा रहा है, वह भी कमीशन खोरी का ही पार्ट। चौथा, अब अभी हमारे पास साक्ष्य है, मैं साक्ष्य के साथ बात करूंगा कि प्रत्येक मध्य विद्यालय, गोमिया विधानसभा के प्रत्येक मध्य विद्यालय और प्राइमरी स्कूलों में 30-30 हजार रुपया खेल सामग्री के नाम पर विधायक जी अनुशंसा किए हैं। अब बता दीजिए कि किस स्कूल में खेल सामग्री बटा, और इतनी भ्रष्टाचार, इतनी कमीशन खोरी करने के बाद दूसरे पर कहते हैं कि कमीशन खोर है। धिक्कार है ऐसे अमर्यादित भाषा का, जिसने जिस तरह वह प्रयोग किए हैं वह शोभनीय है, कतई गोमिया की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब गोमिया की जनता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मीडिया कर्मी बैठे थे, और वहां पर जिस चरित्र का वर्णन उन्होंने किया है, जिस चरित्र को अपना चरित्र को स्थापित जिस रूप से किए हैं, हमको चोर बोले हैं, शिक्षा मंत्री को उल्लू बोले हैं, अंधा बोले हैं, रावण बोले हैं, बताइए एक विधायक को इस तरह का अमर्यादित भाषा प्रयोग करना चाहिए? इनका असल चरित्र यही है। अपने आप को कहते हैं कि पढ़ा लिखा, हम तो उस पर भी सवाल कई बार आप लोग से भी किए हैं। जब गोमिया की जनता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता से यह साबित, और गोमिया की जनता इस बात का आकलन कर सकती है कि कहीं से भी यह पढ़ा लिखा नहीं है, फर्जी डिग्रीधारी है। मैं बार बार कहता हूं इनके पास फर्जी डिग्री है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, पीएचडी किया हूं, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित करता है कि सही में आपके पास फर्जी डिग्री है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप देखेंगे चुनाव 2018 के चुनाव के नॉमिनेशन में या 2019 में जब वो नॉमिनेशन नामांकन फॉर्म भरे हैं तो उसमें केवल साइन करते हैं लंबोदर महतो, एफिडेविट दिए हैं केवल लंबोदर महतो के नाम पर, इलेक्शन कमीशन उनको अगर सर्टिफिकेट दिया तो वह भी केवल लंबोदर महतो के नाम पर, और विधानसभा में जब शपथ ग्रहण दिलाया है उनको, स्पीकर महोदय शपथ ग्रहण दिलाए हैं तो वह भी केवल लंबोदर महतो के नाम पर, और लेटर पेड में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए लिख रहे हैं डॉक्टर लंबोदर महतो। भाई आप चुनाव आयोग में स्पीकर साहब आपको शपथ ग्रहण में इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दिया, उसमें कहीं जिक्र डॉक्टर का नहीं, इसलिए हमने कहा वो फर्जी डिग्रीधारी है, और यह साबित हो चुका है उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका चरित्र, इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता किस तरह से है। ये लोकतंत्र के और लोकतंत्र की परिभाषा को यह तार तार करने का काम किया। तीसरी बड़ी चीज आज बोलते हैं कि मैं गोमिया के नौजवानों को शिक्षित करना चाहता हूँ। भाई साहब तो बड़ा हमको आश्चर्य लगता है कि पहले अपने पत्नी को क्यों नहीं शिक्षित किए? ठीक है, जिस समय शादी किए उस समय तो नहीं किए, लेकिन जब आप ओहदे पर चले गए उस समय तो क्यों शिक्षित नहीं किए? और आप जहां पर अशिक्षित पत्नी आपकी है और गोमिया विधानसभा की जनता को आप शिक्षित करना चले, पहले कम से कम बेसक में नहीं
तो प्रौढ़ में तो प्रौढ़ शिक्षा तो उनको ग्रहण कराइए। और जहां पर आप जाते हैं हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि सरकारी प्रोग्राम में जाते हैं, सरकारी प्रोग्राम को अपने स्तर से उसको सजाने संवारते हैं। भाई आप बता दीजिए कि आप विधायक, आपकी पत्नी सुपर विधायक है क्या? आपकी पत्नी सुपर विधायक है क्या? क्यों जाती है सरकारी प्रोग्राम, किस हैसियत से जाती है? इसके अलावा और कई कार्यकर्ता उनके रहते हैं उस कार्यक्रम में, कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में रहते हैं और दो शब्द नहीं बोल सकते हैं। आपकी पत्नी दो शब्द नहीं बोल सकती है उनकी पत्नी, और आप कहते हैं कि हम लोग पढ़ा लिखा है, हम लोग गोमिया के नौजवानों युवतियों को नौजवानों को शिक्षित करना चाहते हैं और शिक्षित करने के लिए किताब बांटे हैं। किताब बांटना, शिक्षित करना एक बहाना है, असल में तो कमीशन खोरी उनका पुराना धंधा है। इन्होंने कहा कि हम लोग रावण है, मने अगर मर्द है तो चंद्र प्रकाश चौधरी से जाकर के मुकाबला करें। तो भाई लंबोदर महतो जो अपने आप को कहते हैं वो नामर्द हैं क्या? अरे हमारा चुनौती हम आप वो खुद चुनौती हमको देते हैं कि आप मेरे साथ 2024 में लड़ो, हम तेरी औकात बताएंगे और उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। और रह गया चंद्र प्रकाश चौधरी के मर्द हो अगर आप कहते हैं तो वही हजारीबाग लोकसभा में तीन तीन बार उनकी जमानत जब्त हो चुका है और 2019 के चुनाव में एक अबला रामगढ़ से भी उसको हराने का काम किया। और यहां आप भी 2018 में विधायक जी 2018 में सीधे घर से निकल के हमारे धर्म पत्नी आपको पटकनिया देने का काम किया, भूल गया क्या? और आज आप बोलते हैं मर्द चंद्र प्रकाश चौधरी को, ठीक है, बढ़िया है कि आप अपने परिचय दे दिए कि आप नामर्द हैं, मर्द नहीं। अगर ये बात अगर आप मर्द होते तो निश्चित तौर पर चुनौती हमको देते कि 24 में मेरे साथ लड़के देखो मैं बताऊंगा। लेकिन आप यहां से सुरक्षित अपने आप को करने के लिए हमको कहते हैं कि जाके चंद्र प्रकाश चौधरी साथ लड़ो, यही माननीय विधायक जी का हम तो बोलते हैं कि उतना बड़ा मर्द है, उतना बड़ा अगर मर्द है तो रामगढ़ से विधानसभा चुनाव कहां लड़ता है? चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम से एलर्जी है, चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम से घृणा है, मर्द है तो लड़े रामगढ़ से विधानसभा चुनाव, कितना बड़ा मर्द है। यहाँ भी तो हमने दिखा दिया ना उसको हरा के। और मेरी खुली चुनौती है कि 2024 लंबोदर महतो का होगा, यहाँ कोई बाहरी कोई बॉलर कोई चोर की आवश्यकता नहीं, अपना चोर है कोयला चोर है अपना रहे, यहाँ पर किसी चोर की आवश्यकता नहीं। कि लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी कोई बाबा साहब ने ये संविधान ने अधिकार दिया है, हमारा इलेक्शन कमीशन ने यह अधिकार दिया है कि कहीं से भी कोई भी लड़ सकता है, उस पर ये टिप्पणी करने वाले कौन है? ये सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हैं? इस बार तो हमारी पत्नी से टक्कर हुआ है, 2024 में हमसे सामना होने वाला है, इसी डर से पहले ही वो हताश हो गए हैं। और उसी हताशा का परिचय है कि हमको रामगढ़ भेजना चाहते हैं। वो बोलते हैं उतना एलर्जी है, एलर्जी का मतलब भी उनको नहीं पता है कि एलर्जी का मतलब घृणा होता है। हम चंद्र प्रकाश चौधरी से जिस सेंस में बोल रहे थे कि चंद्र प्रकाश चौधरी साहब का एलर्जी है, एलर्जी का मतलब होता है घृणा, हमको घृणा के सब के आलोक में हम वहां नहीं, हमको भेज नहीं रहे थे, हमको भेज रहे थे कि मर्द अगर हुआ तो जाके लड़ा। ये बात बोलना चाहिए कि मर्द अगर है चंद्र प्रकाश चौधरी तो जाके वहां लड़े, उसे एलर्जी बोल रहे थे, इतना भाषा में कंट्रोल उनको नहीं था, आपाक हो गए थे। और जब जनता का जनाधार उनसे खत्म हो चुका है, जनता का विश्वास अब माननीय विधायक से उठ चुका है, तब ये बौखलाहट का परिचय है, इस तरह का अलग अलग बयान दे रहे हैं। उनका सहोदर भाई है विधायक जी का, चंद्र प्रकाश चौधरी सहोदर भाई है, उस सहोदर भाई है इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, गठबंधन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में, 85 लागू करेंगे और 1932 का रोना रोएंगे। और जब 1932 आएगा तो बोलेंगे राज्य की जनता को आदरणीय हेमंत सोरेन ठगने छलने का काम किया है। भाई साहब आप बता दो, इनका कोई पॉलिटिकल कभी अनुभव रहा नहीं है, कभी सामाजिक अनुभव रहा नहीं है, कभी राजनीति का अनुभव रहा नहीं है, जिंदगी भर ये आदेश पाल की तरह काम किए हैं, आदेश पालक रहे हैं, आज उसी भाषा को बोलते हैं। और हम तो कहते हैं कि जिस रूप में आप जो कह रहे हैं, जिस रूप में आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह रहे हैं कि नहीं साहब रामगढ़ से जाके लड़े, तो भाई चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ में
ममता देवी लड़ी, कई लोग लोकसभा में लड़ा जो उनकी स्थिति को, उनकी ताकत को बोध करा दिया। हम भी चाहते हैं आपको, क्या आप हमारे साथ निडर होकर लड़िए ना, आइए ना, जनता आपको ताकत, आपकी ताकत और वजूद आपको बता देगी। इस बार धन बल नहीं, इस बार जनबल चलेगा। ये ऐसे नेता है, दो नेता है, एक हमारे बगल के नेता और एक यहाँ के नेता है। ये लोग को खाना वाना पचता नहीं जब तक हम लोग का नाम नहीं लेता। कभी नाम नहीं लिया मैं। अच्छा एक बात बताइए, इतनी पीड़ा क्यों? हम जन समस्याओं पर सवाल करते हैं, इतनी पीड़ा क्यों इनको? जन समस्याओं पर हम सवाल किए, कांसी टाँड़ और बिरहोर डेरा में तार 2019 से गिरा हुआ, विद्युत प्रवाह बंद है, यही सवाल मेरा था। और उस सवाल में इतनी तिलमिलाहट क्यों? हम तो ने तो कहा यही कि जनता जो मांगता हो देते नहीं है, जनता जो नहीं मांगता हो निश्चित देते हैं। बिरहोर टीना कांसी टाँड़ के लोग 3 साल से अंधेरे में है, ये विधायक की कुब्बत नहीं है क्या? केवल यह आग्रहकर्ता विधायक है क्या? केवल यह अनुरोधकर्ता विधायक है क्या? केवल यह धरनाधारी विधायक है क्या? इनके अंदर में अपनी क्षमता, इनकी ज्ञान इनको नहीं है कि एक विधायक का क्षमता और ताकत क्या होता है? इनको केवल और केवल कमीशन खोरी का आदत है, और केवल कमीशन खोरी के चलते जनता की जन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। निजी फायदे जिस विषय पर हो, जिस काम पर इनको ज्यादा फायदा नजर आता है, उसी काम को ही करना चाहते हैं। दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अब इनको जाना होगा कांके, कांके सुरक्षित जगह है, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर भेजेंगे, निश्चित रहिए। वो भी दिन दूर नहीं कि इनको कांके भेजेंगे, कांके जाएंगे, गोमिया की जनता कांके भेजेगी। साहब 27%, जब हम बिहार के समय में अलग हुए, झारखंड अलग बना, तो हमारा ओबीसी आरक्षण 27% था, और सुदेश महतो जी उस समय गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, और हमारा ओबीसी आरक्षण कट करके 27 से 14% हो गया। और आज जब हमारा 14% से 27% हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ओबीसी आरक्षण को किए, तब सरकार काम बढ़िया नहीं कर रही है। 1985 में जब बढ़िया किए थे, तब बढ़िया मिठाई बांट बांट रहे थे और उनको अच्छा लग रहा था। आज कहते हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय, एक बयान ये भी आया है, ये जोगिंदर महतो कब आंदोलन किया है? विधायक जी शर्म करो, शर्म, जरा सी भी नैतिकता है, जरा सा भी शर्म है? अरे आप तो पदाधिकारी था, घंटी बजाओ तो फाइल ले आओ, घंटी बजाए तो चाव ले आओ, चाय ले आओ, नीचे से ऊपर से कमीशन लेते रहते थे। आप कब आंदोलन कर, नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं? नाखून कटा के शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं? 1932 का केवल तख्ती लेके बैठ गए और कहते हैं कि हमारे प्रयास से, हमारा प्रेशर से सरकार उसको 1932 लागू किया। और अगर आपके आपके प्रेशर से लागू अगर होता है आंदोलन कोई भी विषय, तो आप विशेष राज का भी दर्जा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ना, आपका विशेष राज का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसलिए हमने कहा कि नाखून कटवा करके इस शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं। ये विधायक जी की इस बात को दर्शाता है कि माननीय विधायक जी का पब्लिक का दबाव, जन समस्याओं का दबाव, झूठे आश्वासनों पर जिस तरह से चुनाव जीते हैं, झूठे आश्वासनों, जिस तरह से 3 साल से राजनीति कर रहे हैं, अब जनता इसकी असलियत, हकीकत और इनका असलियत चरित्र और चेहरा प्रेस वाला भी देखा और जनता भी देख लिया, और यही कारण है उनकी बौखलाहट है, और बौखलाहट से ही अलग अलग बयान दे रहे हैं।